हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जियो कॉल डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कॉल डिटेल्स निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो पर पूरा सीख जाएंगे जियो का कॉल डिटेल्स कैसे निकालते हैं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको डाटा ऑन कर देना है, और डाटा ऑन करने के बाद आप इसे ऐप स्टोर पर चल जाएँ। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप माई जियो ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं है, तो माई जियो इस तरह लिखेंगे और इस तरह सर्च कर देंगे तो माई जियो ऐप ये आ जाते हैं। तो अगर आपका इस तरह इंस्टॉल किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, और अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं आप तो यहाँ से इस तरह इंस्टॉल का बटन आएगा, जहाँ पे मेरा ऑप्शन ओपन का लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ बटन लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जिससे इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन कर लेंगे इसको, तो देखिए इसमें ये फ़ायदा है, इसमें आपकी कितना MB आपका है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इसमें देख सकते हैं। तो देखिए मेरा इंटरफेस इस तरह आ गया है यहाँ, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए आपको अगर कोई कॉल डिटेल्स आपको फ़ोन पे जो जितना भी कॉल डाटा आता है उससे कोई अगर डिलीट कर देता है, लेकिन यहाँ से आपका डाटा डिलीट करना कोई असंभव बात है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नीचे करना है, और नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पे आप यहाँ बहुत सारे ऐप्स देखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा है, जियो न्यूज है, बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे देखिए यहाँ इस तरह आप पहले इसको इस पर क्लिक कर देंगे, आप जो MB जो लिखा गया है यहाँ पे इस तरह यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, तो व्यू मोर पे ऐसा क्लिक करने के बाद इस तरह ओपन आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा जो रिचार्ज का जो बटन है, तो यार बगल में एक डाटा बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है, देखिए 1 GB इतना है मेरा अभी स्टोरेज, अभी मेरा है अभी इतना। तो इस पर जैसे क्लिक करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह आपका यहाँ देखिएगा, अभी देखिए जितने भी MB है इतना इधर आपका जो भी MB है ये इधर शो हो रहा है। और तब को करना है क्या कि बगल वाला जो कॉल्स जो लिखा गया है एक कॉल्स पे आपको क्लिक करना है। देखिए ऊपर में जहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर इस तरह है, तो इसको हम सिक्योरिटी के तौर पे इसे मिटा देंगे ऊपर में। तो देखिए यहाँ पे कॉल पे इस तरह क्लिक करेंगे तो देखिए तो मेरा जितना भी यहाँ पे मैंने कॉल किए हैं, कब कॉल किए हैं, ये पूरा आपका डाटा आ जाता है। तो ये देखिए नाम ऊपर में से लिखा हुआ आ रहा है, तो उससे होता क्या कि जो आपका कॉन्टैक्ट जो सेव रहता है ना, आप जो भी जिसमें कॉल करते हैं तो वो मतलब कि कॉन्टैक्ट जो लिस्ट फ़ोन नंबर का जो आपका डाटा है पूरा मोबाइल में वो एक्सेस कर लेता है। देखिए जब कोई भी आप अगर आप ऐप से आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, तो देखिएगा वो 3-4 चीज़ का ऑप्शन मांगता है। सबसे पहले ऑप्शन मांगता है कि आपका गैलरी एक्सेस कर लेता है, आपका स्टोरेज एक्सेस कर लेता है, आपका कॉल डिटेल्स कॉल्स इस तरह मतलब कि वो एक्सेस करता है, मतलब कि वहाँ ऑप्शन देता है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक वो एक्सेस कर लेता है, वो आपसे परमिशन लेता है, बिना परमिशन का वो एक्सेस कर नहीं सकता है, ठीक ना। क्योंकि वो जिनका जो नियम है वो उससे जब भी कोई भी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो देखिए आपको आदमी कोई देखता नहीं है तो आपको बस ओके ओके मारते जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका कॉल एक्सेस कर रहे हैं, मतलब पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उसमें ध्यान रखिएगा ये बात कि आपका क्या क्या वो मांग रहा है, जैसे फोटो भी एक्सेस करेगा, गैलरी कॉन्टैक्ट, तो इस तरह से ये जो माई जियो ऐप है ये एक्सेस कर लेता है, और यहाँ से आपको पूरा डाटा ये बता देता है कि आप कौन सा मोबाइल नंबर पर कब कॉल किए थे, तो आपको हर एक डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि कुछ जियो का जो कॉल डिटेल्स है कैसे निकालते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।